स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 और 19 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल जाएंगे। पहले 18 फरवरी को सीएम हल्द्वानी पहुंचेंगे, हल्द्वानी के एफटीआई सभाघर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वहीं 19 फरवरी को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद सीएम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देश भवन और कर्मचारी आवास का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तराखंड के सभी सरकारी दफ्तरों में अब कर्मचारियों की उपस्थिति 100% रहेगी। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीएम ने सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में सभी समूह के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति 100% किए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। पिछले साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए शासन ने समय समय पर सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति में कमी कर दी थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में महिला कल्याण और बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य और कई विधायक उपस्थित थे। अल्मोड़ा जनपद में 164 सीएम घोषणाओं में से 102 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 62 पर कार्य प्रगति पर है। वहीं नैनीताल जनपद में 147 सीएम घोषणाओं में से 52 पर काम चल रहा है। बता दें, नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में पेयजल हेतु नलकूप निर्माण और हैंडपंप स्थापना से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी को पर्यटन सीजन के लिए तैयार करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत माल रोड को खूबसूरत बनाए जाने को लेकर तारों के जाल से निजात दिलाने के लिए सभी विद्युत की तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो वहीं माल रोड को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने के लिए फसाड़ लाइट लगाकर जगमगाया जा रहा है, जिससे माल रोड अद्भुत और खूबसूरत लग सके। लेकिन माल रोड में पर्यटकों के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए साइकिल रिक्शा संचालित किए जाते हैं, जिनकी हालत वर्तमान में बद से बदतर हो गई है, जो माल रोड की खूबसूरती में कहीं ना कहीं दाग लगाने का काम कर रहे हैं। साइकिल रिक्शा चालक द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान और अब उनकी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में वो अपना रिक्शा किस तरीके से मेंटेन करें। ऐसे में रिक्शा चालकों द्वारा सरकार, स्थानीय विधायक और स्थानीय पालिका प्रशासन से उनके रिक्शे की मरम्मत के साथ उनको आर्थिक रूप से मदद दिए जाने की मांग की है। ऐसा साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अभी पैसे भी नहीं रिजर्व जो कि हम अपने रिक्शे ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे हैं, कहीं से कोई सहायता अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी हेल्प करे, क्योंकि माल रोड में सुंदर पर्यटक घूमता है और सुंदरता ही चाहिए मसूरी में। और ये जो रिक्शों की हालत है, अच्छी हिसाब हो जाए हमारे रिक्शों का, ताकि टूरिस्ट को ये लगे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो। साहब, जब से लॉकडाउन लगा तब से तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है, और फिर हमारी हालत भी बहुत ख़त्म हो रखी है। अब क्या करें, हम भी कर नहीं सकते। पालिका प्रशासन के लिए हम अनुरोध कर सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो विधायक हो, पालिका परिषद हो, कोई भी हो, हमारा कर सकते हैं, रिक्शों को बदल कर सकते हैं। बाकी लॉकडाउन की वजह से हम तो बहुत कंगाली में आ रखे हैं, फिर टूरिस्टों को बैठाते हैं तो कोई यहाँ से भी बोलते हैं भैया तुम्हारे रिक्शे अच्छे हैं। क्या मांग कर रहे हैं, नगर पालिका कराए या कुछ कराए, इसकी जो है जो इसकी हालत जो सुधार जाएगी। हेलो, चमोली जनपद के तपोवन टनल से 45 वर्षीय आलम सिंह कुंडी का शव बरामद हुआ है। बता दें, आलम 2014 से इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत था। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब की चपेट में आलम सिंह कुंडी भी आ गया था। टनल के अंदर निरंतर हटाए जा रहे मलबे के 8 दिन बाद आलम सिंह कुंडी का शव निकाला गया है। आलम सिंह का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर गुलग घाट में किया गया। वहीं आलम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दुख होना था, परिवार का आदमी गया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो आप कितने भाई हैं? 4 भाई हैं हम लोग। ये कौन से नंबर का था? सबसे छोटा वाला था ये। कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आप इतना हमें मतलब सपोर्ट करें कि उसके 5 लड़की हैं और गांव में आप देखते ही जानते ही हैं कि क्या सब कुछ है हम लोगों के पास, मतलब कोई रोजगार नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से जितना हो सके सरकार हमें उसके बच्चों के लिए जो भी व्यस्त लगे वो देने का प्रयास करें।
आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ रैणी गांव पर लगातार 4 दिन लंगर में सेवाएं देने के बाद पौड़ी वापस लौटे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष गौरव सागर ने प्रदेश सरकार पर बहुत नाराजगी जताई। गौरव ने बताया कि उत्तराखंड के रैणी गांव में बीते 7 फरवरी को आपदा आई थी जिससे भारी नुकसान वहां पर हुआ था, लेकिन सरकार की तमाम लापरवाही वहां देखने को मिली। गौरव ने सवाल भी उठाया कि जब सरकार इन लोगों को ही भोजन व्यवस्था कराने में असफल है तो क्या लापता लोगों को खोजने में कामयाब और पीड़ितों को उचित सहायता कर पाएगी? देखिए साथियों नमस्कार। लगातार जिस दिन से आपदा यहाँ पे आई थी, ग्राउंड जीरो में सबसे पहले यूथ कांग्रेस और अनिश्चय की टीम यहाँ पे लगातार काम कर रही है। आज 8वें दिन प्रशासन को होश आई है और हमको यहाँ से आगे जाने से रोका जा रहा है। जो इतनी तुच्छ राजनीति इस शासन द्वारा की जा रही है इसकी हम बहुत निंदा करते हैं, और अगर आज प्रशासन ने हमें इससे आगे नहीं जाने दिया तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें भी मजबूरन उग्र आंदोलन में बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी फोर्सेज हैं, चाहे ITBP हो, हमारी पुलिस फोर्स हो और अन्य NDRF SDRF जितनी भी फोर्सेज हैं, लगातार 7 दिन तक NSUI यूथ कांग्रेस ने वहाँ लंगर लगा के उनकी सेवाएं की है। कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 14 फरवरी को हुई चोरी की घटना का जायजा लेने रामनगर CO बलजीत सिंह भाकुनी पहुंचे। CO सिटी ने कालाढूंगी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमित मिश्रा से घटना की जानकारी लेते हुए घटना स्थल का निरीक्षण किया। CO बलजीत सिंह भाकुनी का कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली कि यहां कार्यालय के कंप्यूटर से DBR और हार्ड डिस्क को चोरी किया गया है, बाकी किसी चीज में कोई छेड़खानी नहीं की गई। CO के अनुसार चोरों का मकसद चोरी नहीं लग रहा था बल्कि कंप्यूटर में संरक्षित जानकारी और DBR को नुकसान पहुंचाना था। परसों सूचना आई थी कि इनका कुछ ताले टूटे हुए हैं और कुछ चीज़ों को नुकसान कर दिया। जब मौके पर यहां गए तो इनकी DBR और हार्ड डिस्क निकाली गई है और किसी सामान को छेड़ा नहीं गया है। इसके संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जैसे भी सूचना होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। कोरोना वायरस की महामारी के चलते महाकुंभ सिर्फ 30 दिनों का होगा। राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने महाकुंभ के समय को लेकर बताया कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए महाकुंभ सिर्फ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ही होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महाकुंभ पर SOP पहले ही जारी कर चुकी है, साथ ही महाकुंभ का समय कम हो ये भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस में साफ है। ऐसे में अब सिर्फ 30 दिनों का ही महाकुंभ होगा। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस से पहले हुई ATM चोरी के प्रयास में की घटना में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक I-20 कार भी बरामद की गई है। दरअसल बीती 16 जनवरी को कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान SDM चौक स्थित SBI के ATM से चोरी के प्रयास में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से ATM चोरी के उपकरण भी बरामद हुए थे। आरोपी से पूछताछ में 6 अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए थे जो मौके से फरार हो गए थे। पुलिस लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थी, जिसमें पुलिस टीम ने फरार 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। जनवरी को रात्रि जो ये घटना पूर्व में हुई थी, इसमें ATM काटने की कोशिश की गई थी। जब उसमें पुलिस मौके पर पहुंची थी तो ये जो व्यक्तिगण हैं ये फायर करते हुए वहाँ से भागे थे। इस संबंध में मुकदमा पुलिस द्वारा लिखा गया था और पूर्व में इसमें अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई थी। उसी क्रम में आज 3 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है और उसके साथ उनकी गाड़ी और जो भी ये लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे उनके द्वारा और जानकारियाँ दी गई हैं। तो जो ATM तोड़ने का जो प्रयास था उसमें ये एक अरेस्टिंग CO हमारे रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के निर्देशन नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वसीम जाफर के बीच चल रहे विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने BCCI से मामले की जांच करने की मांग की है। दरअसल उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वसीम जाफर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारी कोच पर मजहबी आरोप लगा रहे हैं तो वहीं कोच एसोसिएशन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने BCCI से मामले की जांच करने की मांग की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा है कि कुछ चुनिंदा बड़े व्यवसायों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अडानी और अंबानी को निजी फायदा पहुंचा रही है। अपने कुछ मित्रों को जो पूंजीपति मित्र हैं और कोई अडानी अंबानी आदि नामों से देश उनको जानता है, उनके खजाने को भरने के लिए गरीब
के पेज को काट रहे हैं और किसान के पेज पर लात मार रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी का किसान मोर्चा किसानों के बीच जाकर नए कृषि कानूनों के फायदे बता रहा है। आज बीजेपी मुख्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने एक परिचय बैठक आयोजित की। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने मोर्चा के पदाधिकारियों को नए कृषि कानूनों को लेकर संबोधित किया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि वो लगातार किसानों के बीच जाकर नए कानूनों के बारे में बता रहे हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में भी सभी पदाधिकारी भी किसानों को नए कानून के बारे में बता रहे हैं ताकि नए कानून को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है उसे दूर किया जा सके। देखिए हमारे हम लगातार किसानों के संपर्क में हैं और हमारे जो मोर्चे के पदाधिकारी हैं वो भी किसानों के संपर्क में हैं। हम बूथ स्तर पर किसानों के संपर्क में हैं। हम जगह जगह जाकर बिलों के बारे में बात कर रहे हैं और विस्तार में बता रहे हैं। हमारे पास पंपलेट हैं, हम पंपलेट के माध्यम से भी, हमारे पास किताबें हैं, किताबों के माध्यम से भी हम किसानों के बीच में जा रहे हैं। तपोवन इंटेक टनल से अब सिल्ट और पानी बाहर रिसने लगा है। ऐसे में अब पंप से टनल में आ रहा पानी बाहर निकाला जा रहा है। पानी और सिल्ट आने से टनल से चल रहे रेस्क्यू कार्य की गति भी धीमी हो गई है। ऋषि गंगा घाटी में आज भी 11वें दिन बचाव और राहत का कार्य जारी है। बता दें अब तक इंटेक टनल से 11 शव बरामद किए जा चुके हैं और कुल आपदा में 58 शव बरामद हुए हैं और अब भी लेकिन 140 लोग लापता हैं। जो इकट्ठे हो रखे वहाँ पे स्मेल ले रहे हैं तो वहाँ पर भी टीमें भेजी गई हुई है। उसके बाद विष्णु प्रयाग में टीमें भेजी हुई है, टनल के पास भेजी हुई है। टनल में एक दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे पानी जमा हो रहा है तो दो पंप लगा के पानी को निकाला जा रहा है और जैसे ही पानी निकलता है उसके बाद JCB इसको अंदर भेज के काम शुरू कर दिया जा रहा है। लगभग 150 मीटर तक अब हो चुका है काम और 180 मीटर तक हमने जाना है लेकिन पानी जमा होने की वजह से थोड़ी कठिनाई आ रही है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।